अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563-830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आसनसोल रोड हादसा में एक आदमी की मौत। आसनसोल जनूबी थाना के तहत 2700 के करीब एक मिनी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर से दो भाई जो मोटरसाइकिल में सवार थे हादसे का शिकार हो गए। उनमें से एक भाई जिसका नाम मुन्ना था, मौके पर ही उसकी मौत हो गई और दूसरे भाई सोनू को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचाया। दोनों भाई 2700 गाँव के रिहायशी हैं जो सुबह सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे। दो मिनी बस एक दूसरे को ओवरटेक कर रही थी, इसी बीच एक मिनी बस ने मोटरसाइकिल को ठोक दिया। लोगों ने सड़क जाम करके गुस्से का इजहार किया। आसनसोल बढ़ाकर जीटी रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। लोहाकिन का कहना है कि मौत का मुआवजा दिया जाए और जख्मी को बेहतरीन इलाज कराया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयां और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 03412305017 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। पांडेश्वर में दो दिन बाद MLA के हामियों ने पांडेश्वर असेंबली में वाकया हरिपुर कोलवरी पांडेश्वर असेंबली के MLA ऑफिस के दफ्तर में MLA की तस्वीर लगा दी। जैसे ही MLA ने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड और मगरबी बर्दवान तृणमूल कांग्रेस के ज़िला सदर के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा पेश किया, MLA के दफ्तर को MLA के दफ्तर से हटा दिया गया। और जैसे ही इसके मुखालिफ पार्टी के हामियों को पता चल गया, जतिंदर कुमार तिवारी ने MLA के ओहदे से इस्तीफा ना देने के बाद भी इनके हरीफ धड़ों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और दूसरे ही दिन पांडेश्वर में ताकत का मुजाहिरा करते हुए MLA का हदफ जलाया। पता चला कि जतिंद्र कुमार तिवारी तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहेंगे, वो BJP में नहीं जा रहे हैं। तब MLA जतिंद्र कुमार तिवारी के हामी हरिपुर MLA ऑफिस गए और MLA जतिंद्र कुमार तिवारी की तस्वीर लगाई। हालांकि पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अभी भी बाहर है। मिठाई भी तकसीम किया गया और पटाखे भी फोड़े गए। आसनसोल में अमन कायम रखें, बदले में कार्रवाई ना करें। तृणमूल वापस आने के बाद जतिंदर तिवारी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें कहा गया है कि मैं ज़िला के तमाम TMC हामियों से अपील करता हूं कि TMC कारकिरनों ने 3 दिन में रोनमा होने वाले वाक़यात के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गम व गुस्से का इजहार किया है, लेकिन बदले में किसी को भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कुछ ना करें जो मेरी तस्वीर को जला देते हैं और मुझे गालियां देते हैं। जो भी मुझसे प्यार करता है, ममता बनर्जी और पार्टी के मुफाद के लिए तमाम तर अमन कायम रखें। इंतकाम के एहसास से कुछ ना करें। वो लोग जो सब कुछ भूल गए थे, इसे तकलीफ दह वाक्य की तरह भूल जाओ। जितनी जल्दी तुम भूल जाओ उतना ही बेहतर है। जवाब में कार्रवाई ना करें, इसे भूल जाओ। ऐसा करने वालों ने गुस्से में भी किया तो
तो इसे भूल जाओ। नितोड़िया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक शनिचर की रोज बीजेपी रहनुमा मधुसूदन मंडल ने तृणमूल हुकूमत के इंतखाबी हिकमत अमली पर बरहम होकर बीजेपी की जानिब से एक स्ट्रीट कॉर्नर का अहतमाम किया और इस हुकूमत को जमहूरी मुखालिफ करार दिया। कहा कि यहां रहने वाले के पास अपना वोटर कार्ड नहीं होगा, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के पास इनका वोटर कार्ड होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को वोटों की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इस बार वोट के लिए सिर्फ 50,000 रुपये दुर्गा पूजा कमेटियों को दिए गए हैं, पहले कभी नहीं दिया गया था। अगर यही पैसे स्कूलों वगैरह को, अस्पतालों को दिए जाते तो कुछ काम होता। यहाँ बीजेपी की रियासती कमेटी के मेंबर कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि तृणमूल हुकूमत ने लोगों के जमहूरी हकूक छीन लिए हैं, लिहाजा ऐसी हुकूमत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रीट कॉर्नर इन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कहा जाता है कि अपने 34 साल हुक्मरानी के दौरान बाएं बाजुओं ने बंगाल से दस्तकारी की सनतें छोड़ दी हैं, जबकि तृणमूल हुकूमत ने भी 10 साल की हुक्मरानी में बाकी को ख़त्म कर दिया है। लिहाजा रियासत में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। मैट्रिक पास करने के बाद नौजवान काम के लिए दिल्ली, हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। कम उम्र पढ़े लिखे नौजवान भी रोज़गार की तलाश में निकल पड़े हैं। पैसे काटने पर तृणमूल हुकूमत ने भी इन पर हमला किया था। कहा डकैती में इजाफा हुआ है। अम्फन में मरकजी हुकूमत की तरफ से मुतासर लोगों को भेजे गए 3,000 करोड़ रुपए की रकम पंचायत के छोटे और बड़े तृणमूल कायदीन, इनके बहन भाइयों में तकसीम की गई। जब धरने पकड़े गए तो वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि ये रुपया गलती से ज़ाया हुआ है, इसे वापस कर दिया जाएगा। इस हालत का ये हाल है। यहाँ रियासत भी ख्वातीन के जबर में कूद गई, जबकि इस रियासत की वजीर आला खुद एक औरत हैं। इस इज्तमा में कुल्टी विधानसभा के कन्वीनियर डॉक्टर अजय ओडरा, कुल्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी मिथिलेश सिंह, कुल्टी मंडल महिला मोर्चा की सदर शिल्पी राय, कुल्टी विधानसभा के कन्वीनियर ललन मोहरा, इंद्रजीत बाल, कुल्टी असेंबली के आईटी सील कन्वीनियर आकाश चौहान और मिथन दास, उत्तम कुमार, मौसमी लायक समेत दीगर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल छुबारा भारतवर्ष स्वाधीनता है हंसते हंसते मृत्युबरण कर आज के पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक परिस्थिति जे जगह दाइरे हमारा राजनैतिक कर्मकांड करब से परिस्थिति किन्तु आज नहीं। आज प्रत्येक मानुषर गणतांत्रिक अधिकार के तृणमूल सरकार कैड़े नहीं गला टूटे देवा प्रत्येक स्वाधीनता से विषय प्रत्येक कर्मकांड प्रत्येक आवाज के गला टीपे हत्या करा आज अपनी पार्बन एक तृणमूल कांग्रेस सरकार सरकार बिुदे एक आवाज जदि उठे तरह स्थान हम पुलिस गला दे रातला बैक बाहन से मुंडन बाहन से दर्जा ठकटक छोट बड़ तृणमूल नेतारा अपने बाड़ी से बोले दीजिए ना कि खूब बड़ो बीजेपी नेता हो अपनार संगे बीजेपी जो को सम्पर्क ना था আপনি গণতান্ত্রিক ভাবে কোনো কিছু সমালোচনা করতে পারবেন না। আজকের এই তো হয়েছে অবস্থা, কোন জায়গায় আমরা রয়েছি। তো আজকের মারণ মানুষের গণতন্ত্র যে চলে গেছে এই গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য এই সরকারটাকে সরিয়ে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে আজকে, তার জন্যই পদসভা। আজকের ভারতের আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত যুবক যারা রয়েছে আজকের এই যে বেকার যুবক যারা রয়েছে পড়াশোনা করে পাস করে কোনো কাজকর্ম নেই, কেন কাজকর্ম নেই, কোনো কলকারখানা নেই। 34 বছর বামফ্রন্ট শাসন আর 10 বছর তৃণমূল সরকার, সব মিলিয়ে যা শেষ করে গেছে বামফ্রন্ট করে গেছে, এই বাকি 10 বছরে বাকি যা ছিল তাও শেষ করে ফেলেছে। আমার পশ্চিমবঙ্গের যুবক ভাই বোনেরা বাইরে চলে যায়, মা একটু 10 ক্লাস পাস করলে মাধ্যমিক বা CBSE ICSE পাস করার পর যাদের বাড়ির একটু অবস্থাপন্ন আছে তাদের বাচ্চাদেরকে দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন? পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনা করবার অবস্থা, পড়াশোনা করে আমার এখানে ছেলেরা কি করবে? যারা একটু কষ্ট করে গ্রাজুয়েশন করলো তারপর করলো, কোন সুযোগ নেই, কোন সুবিধা নেই, সবাই কাজ করতে বাইরে চলে যাচ্ছে। দেখুন ড্রেন ড্রেন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের যে মেধা, যে মেধা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত, পশ্চিমবঙ্গে সেই মেধা আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই, শিল্প অনুকূল পরিবেশ নেই, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে ছোট বড় মেজ নেতা গিয়ে চলে যায় তোলাবাজির ঝুলি নিয়ে। এইরকম একটা দুর্যোগ, এত বছর পর এইরকম একটা দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সেই আম্ফানের যে টাকা, ভারত সরকার যে টাকা দিয়েছে 3,000 কিছু কোটি টাকা, সেই টাকা থেকে পুরো টাকাটা নয় ছয় করে ফেলেছে।
বাড়ি যাদের ভেঙেছে নষ্ট হয়েছে তাদের জন্য টাকা এসছে, টাকা চলে গেছে পঞ্চায়েতের ছোট বড় মেজ নেতা তার ভাই তার ভাইপোদের ঘরে। যখন জানা গেল ধরা গেল তখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কি যে না টাকা ভুল করে চলে এসছে, রিফান্ড করে দেওয়া হবে, আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে টাকা। বুঝুন অবস্থা, এই তো অবস্থা। কি চলছে আমাদের এখানে? আইন শৃঙ্খলা, আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। এখনো পর্যন্ত 131 জন বিজেপি কার্যকর্তা হত্যা হয়েছে, কোনো সুরাহা হয়েছে? সুরাহা হয়নি। দেখুন শিক্ষার আমাদের দাড়িভিট কাণ্ডে, দাড়িভিটের যে রাজেশ তাপস, যে দুই বাচ্চা দুটো বাচ্চা ছেলে যারা আন্দোলন করেছিল যে না বাংলা ভাষা বাংলা সাবজেক্টের টিচার চাই, উর্দু সাবজেক্টের টিচারকে ওখানে দেওয়া হয়েছিল, সেই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, তাদের কি জুটেছিল? পুলিশের গুলি। পুলিশ কি বললো? পুলিশ বললো না এই গুলি আরএসএস তৃণমূল বিজেপি চালিয়েছে। এখনো পর্যন্ত এই গুলি কারা চালিয়েছে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বের করা যায়নি। তাহলে বুঝুন বিহারের সমস্ত জিনিস চলে আসছে এইখানে। আইন শৃঙ্খলায় বিহার ছিল যা, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তাই। নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা 3 নম্বরে, পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনে অবস্থা 3 নম্বরে। এখানে এখানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে একজন মহিলা, অদ্ভুত সমস্ত ব্যাপার। তো আজকের যে অবস্থা, আজকের যে এই এই যে নৈরাজ্য চলছে সারা রাজ্য জুড়ে, এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরকার আছে। আপনারা প্রত্যেক এগিয়ে আসুন, আমাদের আর নয় অন্যায় যে স্লোগান রয়েছে এবং আমাদের যে লিফলেট রয়েছে, আমাদের প্রত্যেকটা কার্যকর্তা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই লিফলেট দিচ্ছেন, আপনারা লিফলেট। আসানসোল মে ভঙ্গওয়ানী যাত্রা, আসানসোল শুমালী এসেম্বলি কে হলকা ওয়ার্ড নম্বর 46 সে ওজির মেহনত কানুন ও কানুন মুলায় ঘটক কি কিয়াদত মে নিকালি গই। ইস মৌকে পর তৃণমূল নর্থ ব্লক 1 কে সদর আর 2 গুরুদাস চ্যাটার্জি উৎপাল সিনহা কে সাথ সাথ তৃণমূল কে সেকড়ো হিমায়তি মৌজুদ থে। রেলি সে কবল ওজির মুলায় ঘটক নে আটন রোড পর ওয়াকিয়া কালী মন্দির মে পূজা কি আর ওয়ার্ড নম্বর 46 কে মুখতলিফ চক্কর লগায়ে। ইস দৌরান ওজির শ্রী ঘটক নে লোগোঁ কো রিয়াসতি হুকুমত কে মুখতলিফ স্কিমো কে বারে মে হুকুমত বেঙ্গল কি কামিয়াবিয়ো সে মুতালিক মালুমাত সে আগাহ কিয়া। ইনহোনে কাহা কে ওজির আলম মমতা ব্যানার্জি কে দৌর মে মুল্ক কে কিসি ভি রিয়াসত মে ইতনি তরক্কি নাহি হুই জিতনি বেঙ্গল কি তরক্কি হুই হ্যায়। ইনহোনে কাহা কে মা মাটি মনোজ সরকার আম লোগোঁ কি হুকুমত হ্যায়, মমতা হুকুমত নে পেদাইশ সে লেকর মৌত তক কা মনসুবা লাতি হ্যায়, মগরবী বেঙ্গল কে করোড়ো লোগ ডুয়ে সরকারি স্কিম সে ফায়দা উঠা রহে হ্যায়। सलानपुर ब्लॉक के तहत कालिया पंचायत के डबर कोरवरी और समडी पंचायत के गांव में राधाबालपुर में बंगा धुआनी चित्रा और सलानपुर ब्लॉक के सदर मोदी अरमान, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, सागर कुंडू दिनेश लाल मौजूद थे। आसनसोल से राजेश हरी के मुताबिक आज मोरखा 19 दिसंबर 2020 को वर्धमान भवन में मगरबी बंगाल हादी जाति कल्याण समिति आसनसोल मंडियाल के जरिया एक इजलास हुआ जिसमें मगरबी बंगाल हरिजाति कल्याण मरकज और आसनसोल मंडल कमेटी दोनों के अहदेदारान मेंबरान और जवानों की पोस्ट मौजूद थी। इजलास का मसला हमारे तंजीम को आगे ले जाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करना था। आज की मीटिंग श्री शिवाल हरी जी की सदारत में हुई थी और आज के इजलास के मेहमान खसूसी सेंटर कमेटी थे, चेयरमैन श्री जगदीश हरी जी, जनरल सेक्रेटरी श्री राजू हरी जी, शरीक सेक्रेटरी श्री दीपक हरी जी, खजांची श्री सनातन हरी जी मौजूद थे। अब सभी अपने अपने जगह में बैठ जाएं और हमारे वरिष्ठ कलाकार श्री अशोक भाई से अनुरोध करता हूँ, वो बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। जय भीम, जय भारत। और हमारे वरिष्ठ सलाहकार श्री सिंघलाल हरि जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। आसनसोल इतना सुंदर, माने आसनसोल का ये हाड़ी समाज इतना सुंदर, माने खाना पीना आयोजन कोई गरीब का पार करना इतना सुंदर किया था। हम जाकर वहाँ बोलते रहे का भाई इतना सुंदर, अपना घर का परिवार का भी साथी था, उनको भी बोलते थे। तो यहाँ पर हम वो जिनिस को देखे, शादी में तो हो परवे करेगा ऑटोमेटिक। यहाँ यहाँ का लड़का हम एक दिन उस दिन भी देखे, फिर वो लॉकडाउन का पहले इनका घर आए, आप लोग का बस्ती आए थे, बस्ती होकर इनका पास लास्ट में किए, वहां जाकर देख रहे क्लब में हर चीज का व्यवस्था है,
पश्चिम बंगाल हारी जाति कल्याण समिति का बैनर तिरपाल चिया करिया पड़िया सब था, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हम लोग पश्चिम बंगाल के फुल टीम एनी लड़का सबको उतरने होगा, हर छोटा काम बड़ा काम हर काम उतरने होगा। सिर्फ कढ़ैया वितरण करने से खाना पीना में योगदान करने से नहीं होगा, अब करने होगा हम लोग पश्चिम बंगाल हारी जाति कल्याण समिति भीतर में जो माता बहनों लोग हैं उन लोगों के महिला कमेटी बनाएंगे, पांचे या दस, बहुत बढ़िया रहता। आज पांच लेडीज रहता ना तो प्रचार तो होता बढ़िया। ए बाबू देख ली सर बाप टाका चलो मोसा चलो कैसे समिति करेंगे, देखे कैसे उसने मीटिंग सभा करेंगे उसी तरह तोड़ी पाड़ जब पाड़े छो तोड़ियों पार बस। आठ महिला समिति जो रहेगी वो हम लोग का संघ कहीं भी आप कहीं भी करिए या कलकत्ता में करिए या संसद में करिए या धनबाद की तरफ करिए कुछ जय भी करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक सब में एकता बहुत सुंदर एकता है। ये कमेटी तो बहुत दूर आगे बढ़ जाए रह गया छोटा छोटा काम। दीपक जी बोल के गए वो तो ठीक है, उसका संग लेखा पड़ा जो हमारे अंडाल संथिया सेक्शन में बिजली और ट्रैफिक ब्लॉक्स की मनसूखी आसनसोल में 19 दिसंबर 2020 को। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में 20 दिसंबर 2020 से 27 दिसंबर 2020 तक अंडाल संथिया सेक्शन पर पांडेश्वर और उखड़ा और दिबराजपुर और चिनपाई के दरमियान बिजली और ट्रैफिक ब्लॉक जो कुछ ऑपरेशनल तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया था। नतीजे के तौर पर 63534 63531 अंडाल संथिया अंडाल मुसाफिर 20 दिसंबर 2020 और 27 दिसंबर 2020 को आमतौर पर चलाई जाएगी। पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी शक्ति मरकज और दीगर सड़क रैलियां जिला पुरुलिया के काशीपुर असेंबली हलका के रेड पी 28 ए की जानिब से गोरंगादी तिलाजोरी ग्राम पंचायत के तहत गोरंगादी गांव के अहाते में मुनक्कद की गई। पार्टी प्रोग्राम में पुरुलिया जिला दानेश्वर के बेटे बसंत पटानायक, ब्लॉक कन्वीनियर सोरन चैटर्जी, जनरल सेक्रेटरी कृष्ण हल्दार, नायब सदर चंचल हल्दार और युद्ध सदर गौतम बोरी पार्टी के प्रोग्राम में शरीक थे। सभा माध्यम में हमरा मानुष सामने तुले धरची तृणमूल दुर्नीति तृणमूल लोकल नेता जरा रोयचेन तारा आज के दीदी आमले आज के की अवस्थाय आछेन आगे की छिलो आज के की होयेछे एरकम प्रत्येक जायगाते रोयेछे। ताई आमादेर ई पथसभा 2021 এর আগে আমরা সমস্ত পশ্চিম বাংলার মানুষকে আমরা এই তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে এই চোরদের সাথ আর দেবেন না, কারণ আজকে আপনারা জানেন এখানে পথসভা হবে, তৃণমূলের কিছু কেডার রয়েছে এই গোরাংনিতে আইন কাজ করছে। এখন প্রথম আইন সিন্ডিকেটের আজ ভাইপো বা আমাদের মাননীয় বিধায়ক বাবু তার পকেট ভরছে কিনা দেখতে হবে, যদি পকেট ভরে তাহলে কিন্তু সেই আইনটা সেই রকম ভাবে কাজে কাজে কাজ করবে। দ্বিতীয় আইন দুধেল গরুদের জন্য, আজকে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় এই তৃণমূলের দুর্নীতি ছেড়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন, কারণ তিনি মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন যে এই দুর্নীতি পরায়ণ দল থেকে। আসানসোল মে আসানসোল স্টেশন রোড কে 13 নম্বর কে মোড় কে করিব অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কি জানিব সে মরহুম কি সামাজি কারকন বরুণ মুখার্জি কি বরসি কি মৌকে পর জরুরতমন্দো মে কম্বল গরম কপড়ে অর মাস্ক তকসিম কিয়ে গয়ে। তনজিম কি বানি সা চেয়ারম্যান বম্মা মুখার্জি নে কাহা কে ইস মৌকে পর सैकड़ों जरूरतमंदों में कंबल गर्म लिबास और दीगर सामान तकसीम किए गए। मरहूम समाजी कारकन की याद में किए गए काम को आसनसोल के कामयाब लोगों ने अंजाम देने के लिए सख्त सर्दी से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े तकसीम किए हैं। इस मौके पर तंजीम के रियासती सेक्रेटरी मिथु मुखर्जी, तरप्ती चट्टोपाध्याय, तंजीम के ख्वातीन विंग के सदर मौवा मुखर्जी, शर्मिशा मुखर्जी, सुगित मुखर्जी, राजीत प्रसाद वगैरह मौजूद थे। और आखिर में आज का SMS ऑफ द मोमेंट, Marriage is not easy, it takes compromise, sacrifice and revealing yourself to another person. However, if you are willing to work and submit to the process, it promises great rewards.
शादी आसान नहीं है, समझौता करना पड़ता है, कुर्बानी और अपने आप को किसी दूसरे शख्स के सामने जाहिर करना ताहम अगर आप काम करने पर राजी हैं और अमल में जमा करवाएं, ये बड़े अजर का वादा करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम।